30 तारीख की शाम के 6 बजे के आसपास की ये घटना है, जब मैं सुशील आनंद शुक्ला जी से बात करने गई तो उन्होंने मुझसे बदतमीजी करनी शुरू करी, मुझे गंदी गंदी गालियां देनी शुरू करी। उनके ऐसा इशारा करने पे दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, कुंडी बंद कर ली गई, कमरा अंदर से बंद रहा और मुझे गंदी गंदी गालियां दी गई। तीनों उठ के मेरी तरफ आए। मैं अभी भी जब उस घटना के बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, मेरे हाथ में फ़ोन था, मैं बार बार कहती रही कि मुझे बाहर जाने दीजिए, लेकिन लगातार मुझसे बदसलूकी करी जा रही थी। मैं हमेशा से सुनती आ रही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राम विरोधी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, लेकिन मैं कभी इस बात पर विश्वास नहीं करती थी। लगातार 22 साल मैं इस पार्टी में रही और हमेशा से पार्टी के बाहर भी अंदर भी हमेशा से ये सुनने को मिलता था, पर मैं कभी विश्वास नहीं करती थी। और हम कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, आज तक के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी जी की तो हर सभा की शुरुआत ही रघुपति राघव राजा राम से होती थी, तो हम कभी सोच ही नहीं सकते थे और मैं मानती ही नहीं थी जब भी कोई चीज़ सामने आती थी। लेकिन मेरी आंखों से पर्दा उस दिन हटा, सच्चाई मेरी आंखों के सामने उस दिन आई जब मैं स्वयं रामलला के दर्शन करने गई। कुछ समय पहले मेरी नानी की मृत्यु हो गई और वो बहुत बड़ी राम भक्त थी। जब रामलला को टेंट में रखने का काम कांग्रेस ने किया था उस समय वो दर्शन करके आई थी और उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो राम जी के दर्शन करके आए। इसीलिए मेरी माँ ने बार बार कहा कि वो राम जी के दर्शन करके आना चाहती हैं, तो मैं उनको वहाँ लेकर गई, अयोध्या लेकर गई। अयोध्या में जाके हमने रामलला के दर्शन करे और बहुत, जब वहाँ से मैं वापस आई तो तन मन और हर तरीके से मैं राममय हो चुकी थी और इतना ज़्यादा एक अलग ऊर्जा मेरे अंदर आई। और मैं वापस आके सबसे पहला काम जो मेरे दिल से अंदर से आया, मैंने अपने घर के बाहर आके जय श्री राम का एक ध्वज लगा दिया। बस वो ध्वज लगाने की देरी थी कि आग लग गई और उसी समय से हमारी पार्टी, मतलब जिस पार्टी में मैं पहले थी, कांग्रेस पार्टी ने मेरे से नफरत करनी शुरू कर दी। और वो तुरंत जब मैंने फोटो डाली, वीडियो डाले, तो मेरे को लगातार डांट सुननी पड़ी और लगातार बोला गया कि इसको आपने क्यों किया, क्यों तुम राम मंदिर होके आई जब चुनाव सर पे है, क्यों हर बार ये डालो। और मुझे लगातार कहा जाता था कि तुम बहुत हिंदू धर्म के लिए बोलती हो और कई बार मुझे रोक दिया जाता था डिबेट्स पे कि नहीं, तुम बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म के लिए बोलती हो, क्या अपने धर्म का स्टैंड लेना गलत है, मैं तब समझ नहीं पाती थी। लेकिन जब मुझे डिबेट्स पे जाने से रोका गया, कम कर दी गई और टास्क जो दिए जाते थे वो कम कर दिए गए, लगातार हर मोड़ पर अपमानित करना शुरू कर दिया गया, तब मुझे समझ आने लगा कि क्या शायद कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैं तब भी नहीं समझ पाई थी कि एक षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा जा रहा था, मेरे कैरेक्टर को लेकर और भी चीज़ों की, एक षड्यंत्र रच के मुझे ऐसे अपमानित किया जाएगा। मैं छत्तीसगढ़ के चुनाव की मीडिया की प्रभारी बनी और ये मेरा तीसरा बार था, दो विधानसभा चुनाव भी मैं बतौर मीडिया प्रभारी वहाँ काम कर चुकी हूँ और इस बार लोकसभा चुनाव पर मेरी जिम्मेदारी थी। तो ये दर्शन के बाद कुछ समय बाद जब मैं छत्तीसगढ़ गई तो लगातार मुझे अपमानित किया जा रहा था। और यहीं से बात शुरू नहीं होती, जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी तो वहाँ के जो मीडिया चेयरमैन थे छत्तीसगढ़ के, सुशील आनंद शुक्ला, उनका मैं नाम सुशील तो अब कहना शोभा नहीं देता, दुशील ही कहेंगे उन्हें, तब भी उन्होंने राहुल गांधी जी की यात्रा के दौरान मुझे शराब ऑफर करी। उनके साथ एक और उनके साथी थे धनंजय ठाकुर और मैं यहाँ से कांग्रेस के दो लड़कियाँ जो काम करती थी मीडिया डिपार्टमेंट में वो मेरे साथ थी और उनके सामने ही हुआ कि लगातार मुझे रात को कमरे में, जब हम कोरबा में थे, जब हम वहाँ पे यात्रा में वेट कर रहे थे रात को, तो मुझे लगातार फ़ोन करके सामने भी आके कि आपको कौन सी शराब चाहिए, हम आपके कमरे में शराब पहुँचाने का काम करेंगे, और शराब पी के 5 से 6 के प्रवक्ताओं के साथ मीडिया चेयरमैन आके मेरे कमरे पे भी खटखटाते थे। ये बात मैंने सचिन पायलट जी को भी तब कही थी, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को भी, दीपक बैद जी को भी कही थी और दिल्ली में भी जयराम रमेश जी से लेकर पवन खेड़ा जी सब तक मैंने ये बात बताई थी कि इस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के समय मेरे साथ किया गया। लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ, मेरा तब भी ध्यान नहीं गया कि ये सब
इसीलिए मुझे इग्नोर किया जा रहा है या मेरी बात को नहीं सुना जा रहा है, क्योंकि मैं पार्टी की जो विचारधारा है, जो हिंदू विरोधी विचारधारा है, राम विरोधी विचारधारा है, उसके साथ मैच नहीं कर पा रही हूं, तो इसलिए इस तरीके से मेरे साथ बदसलूकी करी जाएगी और कोई भी नेता कुछ नहीं बोलेगा।